मन बना लिया है कि आपके चारू कैन को यहाँ से अच्छी बहुमत से जिता के भेजेंगे हम। कोई मौजूद नहीं है, वोट अकड़ते में घोष दो खामा खाओ। चारू कैन को वोट देने सभी को देनी है, चारू कैन को वोट साइकिल पे और 100% साइकिल ही जीतेगी। ऐसी बात नहीं है, अब के सर हमने ठान ली, अब के सर साइकिल पे ही वोट देंगे। खैर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, बाई इलेक्शन होना है खैर विधानसभा के उपचुनाव में। सबसे बड़ी हम आपको जानकारी देते हैं कि खैर विधानसभा में उपचुनाव है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में उपचुनाव होना है, जिसमें खैर विधानसभा अपने आप में एक अलग मायने रखती है। मायने यूं रखती है कि सबसे कम जो प्रत्याशी हैं वो खैर विधानसभा में उतरे हैं। टोटल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, भाजपा से सुरेंद्र दिलेर मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी से चारू कैन का नाम मैं इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की है, वो भी हम कारण अपनी दर्शकों को समझाते हैं। चारू कैन जो कि खुद दलित समाज से आती हैं, उनके जो पति हैं कार्तिक चौधरी वो जाट समाज से आते हैं और उनके ससुर तेजवीर सिंह गुड्डू जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं वो जाट समाज से हैं। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण का जो नारा देती है, लेकिन महिला को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने एक सीट से 3 निशाने साधने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये निशाने खैर विधानसभा में उचित बैठ पाएंगे या बीजेपी फिर दोबारा यानी कि तीसरी बार, 2017 की बात करें अनूप बाल्मी यहां से विधायक रहे थे, 2022 में एक बार फिर अनूप बाल्मी यहां से विधायक रहे थे, वहीं जो चारू कैन जो आज की डेट में समाजवादी की प्रत्याशी है वो बसपा से चुनाव लड़ी थी और 65,000 वोटों से वो हार गई थी, यानी कि अनूप बाल्मी चुनाव जीते थे। क्या इस बार समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी आज तक कभी यहाँ चुनाव नहीं जीती है, क्या समाजवादी पार्टी इस बार इतिहास रचेगी, है ना, या फिर तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब मौसम ठंडा जरूर है, लेकिन चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो निश्चित रूप से गर्म हो चुकी हैं। हमारे पास तमाम प्रत्याशी, तमाम उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं और खास तौर से हम उस गांव में मौजूद हैं जो गांव दलित समाज से बिलोंग करता है। देखिए, दलित समाज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर खैर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो 1.25 लाख के आसपास जाट हैं और 1 लाख के आसपास दलित वोट है। और ये दलित वोट क्या बसपा का कैडर वोट है, क्या ये वोट आजाद समाज पार्टी की तरफ जाएगा? अगर इस वोट का ध्रुवीकरण हो गया तो आखिर पासा कहाँ जाने वाला है, ये बताएगी खैर की जनता। हालांकि बीजेपी की राहें आसान जरूर जा रही हैं, लेकिन आखिर समीकरण क्या बैठने वाला है ये सिर्फ खैर की जनता बताएगी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बारी बारी बात करेंगे और खैर के कहीं ना कहीं चुनावी जो समीकरण है उसको समझने की अपन लोग कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है, इस बार खैर की जनता के मन में आखिर है क्या? देखो जी, पहले हम गांव गोमत नाम भागीरथ जाटो समाज से हैं। आपके हमको बोर्ड चारू कौन को देनी है, साइकिल मोड़ लगानी है। क्यों है आपके यहाँ से जिता के भेजना हमारे को? क्यों हमारी दिलो तमन्ना है आपके चारू कौन के यहाँ से जिता के भेजेंगे हम। लेकिन कहीं ना कहीं एक बसपा का जो कैडर वोट है, देखिए अगर जहाँ दलित समाज की बात आती है, मैं कहता है कि ये सब लोग बसपा के लिए जाएंगे। आजाद समाज पार्टी की अगर बात करें, यानी चंद्रशेखर आजाद जो कि अभी नगीना के सांसद हैं और उनका प्रत्याशी भी नितिन वो भी मैदान में, इतना मन बना लिया है कि आपके चारू कैन को यहाँ से अच्छी बहुमत से जिता के भेजेंगे हम। क्या लग रहा है चारू कैन जीतेंगे? जीतेगी, 100% जीतेंगी। बाउंड्री लगेगी, फुल बाउंड्री लगेगी। क्या दलित वोट ध्रुवीकरण होगा इस बार? हमारा वोट बहुत जाएगा, थोड़ा बहुत तो कटेगा, हाथी पे ऐसी बात नहीं, थोड़ा उस पर, मगर ज्यादा करके हमारा चारू कैन जी पे जाएगा और यहाँ से अच्छी वोटों से जिता के भेजेंगे आप उनको। अरे चारू कैन को अपना जो दलित समाज का वोट वो मिलेगा जाट समाज से, क्योंकि उनके पति और ससुर जाट समाज से आते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, चारू कैन दलित समाज से आती है, उनके जो पति हैं वो जाट समाज से आते हैं,
और जाट, पहले उन्होंने जाट वर्सेस जाटव, हाँ, है ना, तो ये एक बड़ी तादाद में वोट जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार इतिहास रचेगी क्या समाजवादी पार्टी? जी हाँ, पहली दफे इतिहास रचेगी और यहाँ से आपके जिता के ही भेजेंगे, जो उनके सुसर ने जो काम करा तेजवीर सिंह गुड्डू ने। पहले पंचायत वो रहे थे, जिले के पंचायत, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, उससे पहले किसी ने काम नहीं करा, वो किसी जाति धर्म के लिए सबके लिए काम करा उन्होंने। और जो अखिलेश जी, अखिलेश मास्टर अखिलेश जी यादव ने जो ये जो चुन के भेजा है उनको, चारू कैन जी को, ये बहुत अच्छा संदेश भेजा उन्होंने। संदेश क्या दादा, आपके सामने, आपके सामने तमाम चुनाव आए और तमाम चले गए, इस बार क्या मेरी सहमत देखिए, इस बार क्या समाजवादी पार्टी इतिहास रचेगी या फिर बीजेपी की जीत होगी? नहीं, चारू कैन, लास्ट फॉर्मेलिटी, चारू कैन। क्यों हमारी मर्जी, क्यों जग गया थे आप? जाटा समाज से आते हैं? हाँ, जाट, जाटा, जाट, जाट समाज से, जाट, जाट, जाटा, जाट चौधरी हूँ। ठीक ठीक है, अब डील मत करो, पता नहीं अब आगे बात। जाट समाज से आते हैं और चारू कैन जो है जाटव समाज से आते हैं, तो क्या हुआ? क्या जाटव और जाट मिलके एक बार खैर में इतिहास रचने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, पत्रकारी बिल्कुल, हम चारू कैन को वोट देंगे सब। क्या लग रहा है, क्या माहौल है जी? हमें जात से कोई मतलब नहीं, बस हम तो केवल गुड्डू को जाने, गुड्डू जाने, गुड्डू चौधरी काम किया भाई, हम जाटव समझते हैं, हमें या तो कोई मतलब ना है चारू कौन कौन है कौन ना है, हम तो चारू कैन वोट देंगे, ना कोई दाब ना कोई धोस, हमारी राज्य की बात है। जाटव समाज से आते हैं? हाँ, जाटव समाज कहीं ना कहीं बसपा के कैडर वोट होता है। देखिए मेरी बात समझिए, हाँ, बसपा यूं कहती है कि बसपा को कोई मौजूद नहीं है, वोट गड्ढे में घुस दो खामा खाम। अच्छा, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, हाँ, वो भी कहते हैं कि बसपा को, मेरे को जानते हैं उनको, हम का जानते हैं, हमें तो गुड्डू को जाने, बस बस काम किया है। हाँ, काम किया है, जब बुलावे काऊ काम को तैयार रहेंगे, तो आधी रात आ जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो एक बदमाश है, जेल में है, ऐसे जेल में तो अपने काम को होगा, हमें क्या मतलब है? लेकिन यह काम किया है। हाँ, और भी हमारे साथ बताओ, माताजी क्या कहेंगी इस बार खैर की जनता के मन में? देखिए आपकी तमाम बहुएं, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, क्या लग रहा है इस बार खैर की जनता के मन में क्या है, किसको अपना प्रत्याशी चुनना चाह रही है? बाबूजी सब डालेंगे तो मैं डालूंगी। कहाँ डालोगी? नहीं डालूंगी, सालू का कहा कहता है, हाँ सालू पे चारू, चारू कैन पे डाल रही है आप, क्यों डालेंगी, क्या मन में सुनी? मन में सोरे कोई नून आ के सब पूछा तू ना लाता हूँ ना, हमारे बाबू जी घर में गड्ढे न पड़े, कोई नून आ के सब चार पैसा बड़ू अंदर धुंधो है, बाकी सेवा कर दे, इतनी वोट डाली हर पोता जाता गड्ढे में। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमने बुजुर्गों को पेंशन की योजना दे दी, तमाम योजनाओं का हवाला दे दिया, उसके बावजूद भी अब क्या खैर की जनता के मन में? बाबू जी इतनी है गई, इतनी डालेंगे। अरे जीतेगा कौन? जीतेगा जय सालू, कोई जीतो साइकिल, हाँ जीतेगी, हाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी, जीतेगी। और बीजेपी? देखिए अम्मा की हंसी की बातों में एक बहुत बड़ा संदेश सामने आ रहा है। देखिए एक चीज हम अपने दर्शकों को बता दें, चारू कैन पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ी थी, महज 44,000 वोटों से वो हारी थी, लेकिन चूंकि इस बार माताजी तो बोल रही है हराई थी, लेकिन इस चीज में हम अपन लोग नहीं जा रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल जानने के लिए हम लोग यानी कि TV9 भारत बस की टीम खैर विधानसभा में मौजूद है, और ये तमाम जो आप तस्वीर देख रहे हैं तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, बारी बारी हम इनसे निष्कर्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर खैर विधानसभा का समीकरण क्या जाने वाला है। समीकरण जानने की कोशिश हम यूं कर रहे हैं क्योंकि 1,25,000 के आसपास यहाँ जाट है, क्या जाट कट पाएगा, अगर कटेगा तो कितना बटेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन आखिर जाट क्या समाजवादी पार्टी जाटों को काटने में अपना ध्रुवीकरण सेट कर पाएगी? उसके अलावा 1,00,000 के आसपास SC वोट है और SC वोट अपनी निर्णायक भूमिका को अदा करता है, क्योंकि SC वोट
बसपा कहती है कि एससी वोट मेरा अपना वोट है। वो इसलिए भी कह रही है क्योंकि 2022 के हुए चुनाव में चारू कैन को 66,000 वोट आए थे, वहीं कि ना कहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि वो 66,000 जो वोट पाए थे वो बसपा का अपना वोट था। क्योंकि चारू कैन दलित समाज से आती हैं, उनके पति और उनके ससुर वो चौधरी समाज से आते हैं, क्या जाट समाज का ध्रुवीकरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, गोमत चौराहे के पास ये गांव है, गोमत इसको बोलते हैं, जाटव बाहुल ये पूरा इलाका है। आखिर दलित समाज ने अपने मन में सोची क्या है, यही जानने के लिए हम तो और भी हमारे साथ तमाम लोग। चाचा नाम क्या है? नाम नेक राम है जी मेरा, और गठबंधन सरकार को ही काम करूं मैं, गांठ बांधूं खाट बनूं हमेशा, गांठ बांध के खाट बनते हो, तैयार कर देता हूं 4 घंटे में। किस किस तरीके की खाट बनते हो आप? कैसी बनवा लियो मोह, कैसी बनवा लियो? कौन से समाज से बिलोंग करते हैं? कौन से समाज से बिलोंग करते? मैं जाटव समाज से करता हूँ जी। देखिये जाटव समाज का इस बार रुझान क्या है, इसी जानने के लिए अपन लोग यहाँ आए थे। अच्छा, क्या लग रहा है जाटव समाज इस बार, क्योंकि जाटव समाज बसपा अपना कैडर बहुत बजाती है, क्या इस बार जाटा समाज बसपा यानी कि हाथी की तरफ जाएगा या साइकिल का पुश करेगा? साइकिल को क्यों है? साइकिल को ही कर रहे हैं सब, सब कह रहे हैं यह बात है जो बना दे अब के। तो चारू कैन को क्या मानते हैं आप? क्योंकि चारू कैन दलित समाज यानी कि आपके समाज से ही आती है। बढ़िया लड़की है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, सब देखवे में सुंदरता में, और वैसे हूँ चालो चलन वातावरण बढ़िया शुद्ध है। विषय सुंदरता का आपको बड़ा ध्यान दे रहा है? क्यों नहीं है, सुंदरता का प्रतीक मैं भी रहा हूँ कभी, है चेहरे पे नूर आपके पे चमक भी रहा है। ना चमक रहा होगा, सुबह से काम करके आया हूँ मैं, लाइट में चमक रहा है। ना चमक रहा होगा, वैसे मैं सुबह से ही काम करके आया हूँ। हाँ सुबह से काम करके आया हूँ। इस बार खैर की जनता ने मन क्या बनाया हुआ है? खैर की जनता की बात छोड़ो, मैं तो अपने गांव की जनता में रहूं सब। अरे आप भी तो, आप भी तो खैर, आप भी तो खैर विधानसभा में हैं, खैर की जनता ही तो वोट करेगी। तुम्हारा गांव, मेरा गांव, किसी और का गांव है तो खैर विधानसभा में जा ना रहो। खैर तो मैं कैसे बात करूं? हां कहां जा रहे हो? मैं तो खेतों में जाऊं काम करके साझे हुए। हम सभी परिवार का रुझान क्या है? परिवार को रुझान सब रहो, एक सोते चारू किरण घूम गई है हमारे गांव में, घूम गई, घूम गई। सुरेंद्र दलेर नहीं आए, भाजपा प्रत्याशी नहीं आए ना, और कोई प्रत्याशी ना आए, और पहले आए जो तो कप के प्याले के सदस्य बन गए, हम कप के प्याले के सदस्य बन गए, वह आजाद पार्टी को है कोई, परंतु अब वो आना देंगे, अब तो यही के काम। अब चारू कैन ने मन ना मन बना लिया, मन बना लिया है। अगर कहीं खैर विधानसभा में ऐसा ना हो जो अखिलेश यादव का अपना सिस्टम है, क्योंकि मैं देखो लगातार दर्शकों से कह रहा हूँ कि एक तीर से तीन निशाने के साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की है। और लोग हैं मौजूद, बात करेंगे। कौन से समाज से आप बिलोंग करते हैं? चाटा समाज। माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है, चारू कैन को वोट देनी है। चारू कैन को आप सपोर्ट करेंगे? लेकिन मायावती ये कहती है जाटव समाज मेरा अपना समाज है, मैं अगर मेरा कोई भी आदमी खड़ा होगा वहां उसको वोट देगा। लेकिन जाटव समाज चारू कैन बिरादरी बात पे जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, चारू कैन को वोट देनी है, सभी सभी को देनी है चारू कैन को वोट, साइकिल पे, साइकिल पे, और 100% साइकिल ही जीतेगी। साइकिल ऊपर वाले चाहिए, इतिहास रचेगा इस बार खैर में, क्योंकि आज तक साइकिल का विधायक खैर में बना नहीं है अभी तक। नहीं रचेगा, रचेगा मन ठान लिया, मन ठान लिया। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए आप युवा हैं और युवा देश का कर्तव्य होता है, मैं एक चीज हमेशा से कहता हूँ, यहाँ युवा मुड़ जाता है वहाँ माहौल चेंज हो जाता है। इस बार युवाओं के मन में है क्या? क्योंकि लगातार हमने देखा है युवा वोट सबसे ज्यादा है, 1,25,000 के आसपास युवा युवा है। खैर देखिए खैर विधानसभा का हम अपने दर्शकों एक बार समीकरण और बता दें, 4,02,997 के आसपास खैर विधानसभा में वोट है, यानी कि वोट की चोट करने के लिए खैर विधानसभा तैयार है ना। 1,15,000 आसपास जाट वोट है, क्योंकि जाट लैंड खैर विधानसभा को कहा जाता है, इसको मिनी छिपरौली भी कहा जाता है। अगर एससी वोट की बात करें, क्योंकि एससी वोट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खैर विधानसभा एक सुरक्षित सीट है, यहाँ 1,00,000 के आसपास एससी वोट है,
चाहे वो खटीक समाज से बात करें, बाल्मीक समाज की बात करें, जाटव समाज की बात करें, तमाम जो एससी बोर्ड आते हैं वो लगभग 1 लाख के आसपास है। वहीं कहीं ना कहीं अगर ब्राह्मण बोर्ड की बात करें तो 70,000 के आसपास ब्राह्मण है, और वैश्य बोर्ड की बात करें तो 40,000 वैश्य है। अगर सबसे कम कोई है तो वो मुस्लिम बोर्ड है, जो कि समाजवादी का कैडर बोर्ड मुस्लिम और यादव का आता है। यादव का नाम अनुसार नहीं है, 10 से 4-5 हजार जो भी यादव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति चल रही है, क्योंकि मायावती कहती है कि जाटव समाज मेरा है, है ना। चारुकेन दलित समाज से आती है, जाटव समाज से आती है, उन आपके समाज की। और जाट यहाँ सबसे ज्यादा है, उनके पति और ससुर जाट समाज से। तो इस बार खैर की जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है, ये हम समझने के लिए आए। इस टाइम तो चारू बहन जी का है यहाँ पर जो भी है, और चारू बहन जी के सब सपोर्ट रहे हैं, सब जाटव समाज होने के लिए इस टाइम। क्या ध्रुवीकरण होगा इस बार जाटव समाज का? हाँ होगा। बीजेपी को नहीं जाएगा? नहीं, आपके बसपा को भी नहीं जाएगा? नहीं। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा नाम है, लगातार चल रहा है और कहते हैं कि वो दलित की आवाज उठाने के लिए हमेशा सशक्त है। निर्दयन चौटेला जो कि युवा है, चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है भीम आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए वोट क्यों नहीं? ठीक है, वो भी अपने समाज के हैं, लेकिन इस टाइम तो चारू बहन जी पहले हारी थी मायावती की, उनसे सीट ले वो आई थी, बसपा से हारी थी। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहन जी आपके जीते, जो मैदान में उतरी हैं इस टाइम, हम चाहते हैं कि अपनी चारू बहन जी जीते, नए इतिहास रचवाने की। हाँ जी, हाँ इतिहास रचेगा जी। और भी सब। भैया क्या लग रहा है इस बार माहौल कहाँ जाने वाला है? जी साइकिल पे जाएगा अपना, तो चालू कैन पे। ये तो एक तरफा साइकिल है, कोई बीजेपी वाला है या नहीं? बीजेपी वाला कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ी बात, आप दलित समाज से आते हैं, दलित समाज बसपा का कैडर वोट है, उसके बाद भी आज समाजवादी पार्टी की बात करें, ऐसा क्या है? मैं ये जानने की बात कर रही नहीं, उनको पहले वो हार गई थी अपनी तरफ से, मायावती की तरफ से पहले हारी थी, तो इसलिए उनको आपके वोट देने की इच्छा है। लेकिन तब जब मायावती की तरफ से हारी थी तब बसपा के जितने भी आप वोट दलित समाज के वोट है 1 लाख वोट के आसपास है, 64 से 65 हजार वोट वो पाई थी। तो क्या लग रहा है अब दलित समाज के मन में आखिर ऐसा क्या जाएगा कि पिछली बार आ गई अब हमको जिताना है जबकि वो साइकिल से प्रत्याशी है, ऐसे मन में क्या चल रहा है? मन में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, अब के देना ही है उनको। क्या करना है? नए प्रत्याशी चुनने हमने चुल्ले में सर, तो हमें अब के चालू मैम ही जितानी, जैसे भी जितानी हमने ठान लिया कि साइकिल को ही वोट देनी है सर। जीत जाएंगे 100% जीत। 2024 का उपचुनाव बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन कहीं ना कहीं 2027 का ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है, तो इसको लेके कोई मन में धारणा कि बहन जी की एक बार और सरकार बने, बहन जी चुनाव जीते? सर ऐसी की बात नहीं, मैं अब के सर हमने ठान ली अब के सभी साइकिल पे ही वोट जाएंगे, जो नहीं पता थी चाचा सब साइकिल पे है। माहौल ऐसा है क्या, क्योंकि दलित समाज का ध्रुवीकरण हो गया क्या? नहीं, हम साइकिल पे, हम साइकिल पे मुसलमान, हम साइकिल पे। अरे मैं यही तो तलाश कर रहा था इतनी देर से, साइकिल पे, क्योंकि 30,000 के आसपास खैर विधानसभा में। नाम क्या है? हसमुद्दीन खान। हसमुद्दीन, लेकिन मुस्कुरा नहीं रहे आप, तो हसमु कैसे? अरे हसमुद्दीन नाम है फिर भी नहीं हंस रहे, तो ये बताओ और क्या करूँ? इस बार का मजाक छोड़ के इस बार का माहौल क्या है हसमुद्दीन भैया? मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी हस हस के माहौल बताइए ना। हमेशा हमारी वोट उनकी थी। किनकी थी? अखिलेश की। ओ अब लेकिन चक्कर एक बार दी कुछ नहीं मिला, एक बार हमने अलग हाथी भी दी, 3-4 बार हाथी भी दी कुछ नहीं, वो दब गए। लेकिन ये आदमी दबा नहीं आज तक। कौन नहीं दबा? अखिलेश और वो जो है कौन? क्या नाम उनका? अरे एक बार जान लीजिए किसकी बात कर रहे हैं। वो जो है यो हाथ पे, जो हाथ पे क्या नाम है उनका? साइकिल कांग्रेस समाज। हाँ। वो दबे नहीं आपने, ये दोनों एक मिल गए, ये तीन एक मिल गए। लेकिन अखिलेश यादव आए तो आदमी पंजा नजर नहीं आया, ना उनका कोई कार्यकर्ता ना कोई मामला मंच पे, तो हमें नजर आया नहीं। तुम्हें नजर आया? आप पंजे पे भी बटन दबाते? हम पंजे पे नहीं दबाते कभी। अच्छा। कभी जिंदगी में नहीं दबाया हमने आज तक। हाथी पे, नल पे हमने वोट दिया, कभी फूल पोट नहीं। नल पे वोट दिया? इसमें नल में क्या है, नल में पानी निकल रहा है या और कुछ? नहीं, पानी बस दिया। अपने थे वो किसान आदमी थे वो, और हमारी वही बहन जी
वो बढ़िया थी, हमने उनको वोट दिया, पर हमने खुद कभी वोट नहीं दिया। अब साइकिल पे क्या लग रहा है, माहौल क्या रहेगा? देखो ये तो ऊपर वाला बताएगा, हमने कैसे से बातें वोट डालेंगे। हाँ क्या सोच के वोट डालिएगा? साइकिल पे जब सरकार बनेगी बनेगी, पर हम नहीं जानते इस बातें कौन की बनेगी, साइकिल चलेगी। क्यों भैया क्या कहेंगे इस बार का माहौल, खैर की जनता ने क्या अपने मन में सोच रखा? बिल्कुल बीजेपी, बीजेपी। आप पहली बार, इतने लोगों की मैंने इंटरव्यू कर लिया, बीजेपी की आप पहली बार? पूरा पूरा माहौल बीजेपी का। कैसे? हर तरीका से। क्या नहीं मिला है मोमडन से? गलत बोल रहे आपको, क्या नहीं मिल रहा है? गलत नहीं बोला मैंने, सरकार ने सब दिया आपको, सब दिया, दिया गलत नहीं बोला मैंने, फिर क्यों नहीं दिया? गलत नहीं बोला मैंने, आपको क्यों नहीं दिया? सब दिया बोला मैंने, गलत नहीं बोला मैंने, हम भी भैया हमने गलत बोल रहे हैं। क्या नहीं दिया आपको? क्या क्या मिला है? आप रुकिए, क्या क्या मिला है? क्या क्या मिला है ये बताइए। किसान सम्मान निधि हमको मिली, बच्चों को रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार मिला है। क्या क्या रोजगार? रोजगार मिला है हमारे लड़का सरकारी नौकरी से हुआ है। सरकारी नौकरी कौन सी परीक्षा? SSB में जी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले को लेकर, मेरी आप सुन लीजिए, कहीं ना कहीं विपक्ष ये बार कहता है पेपर परीक्षा लीक हो गई, नौकरियां पुलिस की 3 बार हो गई, इस बार हुई है 60,664 परीक्षा अभी इस बार दी गई है। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि तमाम हमने फार्म भर दिए, तमाम ले ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए एक चीज मैं दर्शकों को अपने को बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खैर विधानसभा के चलते हुए, हालांकि जस से आचार संहिता लगी, वो की 2 रैली हुई, लेकिन आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले खैर में उनकी 1 जनसभा और हुई। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का ये मानना रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर चाहें तो समधा पे नौकरी की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो नौकरी प्राइवेट भी करवा सकते हैं। और ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे दर्शकों का भी सवाल नहीं है, तमाम युवाओं का सवाल है। क्योंकि जब अग्निवीर जैसा माहौल यहाँ खैर में हुआ उस वक्त मैं मौजूद था, जट्टारी पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, तमाम गाड़ियां फूकी गई, उसके बाद अग्निवीर जैसी योजना का विरोध, अग्निवीर जैसी योजना का विरोध क्यों हुआ? देखो जी हर बच्चे को, हर बच्चे को समय मिलना चाहिए। तुम्हारी 15 साल की 20 साल की नौकरी हो जाती है, 28 साल कर दे, नहीं बच और कहाँ जाएंगे बच्चे भाई, उनको भी मिलना चाहिए मौका, उनको भी मिलना चाहिए। 5 साल पीछे आएंगे बच्चे और बच्चे कहाँ जाएंगे? जो युवा लगातार फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, दौड़ मार रहे हैं, मैंने सड़कों पे लगातार देखा है, वो तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना है कि मैं फौज में जाऊंगा, भारत माँ की सेवा करूंगा, उनको 3 साल का मौका, ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष कह रहा है, ऐसी नाइंसाफी क्यों? विपक्ष तो बोलता है अपनी बात, आप अपनी बोलिए ना। हाँ तो हम हमारे बच्चों को मिला है, हम तो कहेंगे बढ़िया सरकार है। आपका बेटा 16 साल की अपेक्षा अगर 3 साल नौकरी, 60 साल में SSB 60 साल की होती है, आर्मी परीक्षा की बात आर्मी, देखो अग्निवीर, अग्निवीर, अग्निवीर में क्या नहीं मिलेगा? आपके बच्चे को अगली बार निकाल देंगे, 5 साल बाद तो मिलेगा सबको, और बच्चों को मिलेगा मौका, और बच्चों को मौका मिलेगा, देखिए और बच्चों को मौका मिलेगा, तमाम हमारे साथ लोग और भी मौजूद है, भैया क्या कहिएगा? और क्योंकि ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम युवा हमारे साथ में मौजूद हैं, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं खैर विधानसभा का जो माहौल है, क्या वो इस बार चेंज होगा? क्या समाजवादी पार्टी इतिहास रचेगी? इसको लेके बड़ा सवाल है, क्या दलित समाज का ध्रुवीकरण हो पाएगा? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 लाख के आसपास दलित समाज के वोट है। नाम क्या है? राजकुमार। कौन सी समाज से आते हैं? जाटव। जाटव। माहौल क्या है खैर की जनता का? माहौल तो जी सबके मन में अलग अलग ही होता है। आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो समाजवादी पार्टी। क्यों? बसपा आपकी पैक्ट पार्टी है, बसपा जीत नहीं पाएगी तो अपना वोट क्यों खराब करे? अगर जीती नहीं तो वोट डाइवर्ट होगा, मतलब जो बीजेपी को हराएगा उसको आप अपना वोट देंगे? नहीं, हराने की बात नहीं है, वो तो अपने अपने विचार है भाई। विचार की तो जानकारी करने भैया मैं आपके पास आया था। आप देखिए, मायावती कहती है कि बसपा मेरा खेडर वोट है, मैंने हमेशा उनके हित की बात की है, आप समाजवादी की बात करें, बसपा को वोट क्यों नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वोट खराब हो क्या फायदा, उनका प्रत्याशी जीत नहीं पाएगा ना।
अगर प्रत्याशी जीत नहीं पाएगा तो समाजवादी पार्टी को देंगे, क्योंकि वो चारू कौन अपने समाज से आती है। देखिए मैं इस क्योंकि देखिए माहौल ठंडा है लेकिन खैर की सरगर्मियां बाकी तौर से गर्म है। अभी भी और लोगों से अगर मैं बात करूं तो अलग अलग अपने प्रत्यक्ष अपने प्रमाण अपनी बात रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कहना मुनासिब नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में यानी कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी की राह निश्चित तौर से आसान नहीं होने वाली। कारण है ये कि 1.25 लाख के आसपास जाट वोट है, जाटों के आखिर मन में क्या चल रहा है ये अभी तक समझ नहीं पा रहे। क्या जाट बटेगा, आखिर बटेगा तो कितना बटेगा, और बटेगा तो कटेगा, जिसका स्कूलन लेके योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं और लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। और खैर विधानसभा की अगर बात करें तो 1 लाख के आसपास दलित समाज का वोट यानी SC वोट है, सुरक्षित सीट भी ये आती है। अगर दलित समाज बसपा का नहीं जाए, क्योंकि तमाम लोगों से हमारी बात हुई, तमाम इसे जानकारी की, तो एकाध लोग ये बोलने वाले हैं कि हम लोग जो है मायावती को देंगे, लेकिन 90% लोगों का यही मानना है कि ये वोट समाजवादी की तरफ जाएगा, क्योंकि तो समाजवादी पार्टी के द्वारा अखिलेश यादव के द्वारा यहाँ सीट देने का निर्णय यही निकला कि एक तीर से तीन निशाने साधने की कोशिश की गई। चारू कैन जो दलित समाज से आती हैं और दलित समाज के द्वारा उनको अपनी बेटी बताया जाता है, उनके पति जाट हैं, उनके ससुर जाट हैं, और जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या जाट आखिर बटेगा और दलित समाज का ध्रुवीकरण आखिर कैसे हो पाएगा, इसको लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा विचार विमर्श कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक छवि को संभालने के लिए, क्योंकि सुरेंद्र दलेर मैदान में है, उनके दादा किशनलाल दलेर 4 बार सांसद 4 बार विधायक रहे, उनके पिता विधायक और सांसद है, अब युवा चेहरा है वो मैदान में है। अब क्या लग रहा है, बीजेपी एक बार फिर पुनः यानी कि हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी एक बार इतिहास रचेगी, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ताज किसके सर बंधेगा ये 23 तारीख को पता चलाएगा, और हालांकि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है, लोग वोट की चोट करेंगे, आखिर चोट किसको करेंगे ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। ताज किसके सर बनने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोंकते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं सोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, खैर विधानसभा, अलीगढ़।